सबसे पहले तो उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जिन्होंने अभी हाल ही में जॉब पाया हुआ है। कुछ की जॉब इंडिया में हुई है, कुछ की जॉब जो है आपकी दुबई और मस्कट में हुई है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जैसे राम सजन के बैच के लोग जो हैं इसमें एग्जाम में इंटरव्यू में गए हुए थे और आप सब लोगों को इंटरव्यू आपने पास किया और फिर आपको ऑफर लेटर मिल गया और आप ज्वाइन किए। आप सभी को एसएसटी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशली मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बहुत अच्छा करें और ये करके दिखाएं कि हाँ हम ये चीज किस तरह से कर सकते हैं और लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो मैं वीडियो देता हूँ, जो मैं बताता हूँ, आपने देखा होगा मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं आपको बेहतर बना सकूं। मेरा बेहतर कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है, कारण कि फिर मैं उनकी वाली बात नहीं करता या फिर उनके अकॉर्डिंग में बात नहीं करता, तो वो लोग पसंद करते हैं। बहरहाल उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने, हमारी पढ़ाई जारी रहेगी। अब उसके बाद से कुछ ही दिन बाद हम लाइव भी आपके साथ आएंगे और आपकी क्लासेस लाइव भी चलेगी। और गुड न्यूज़ क्या है, सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि अब जो है एसएसटी नीट के लिए भी मेडिकल एग्जाम और इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए भी क्लासेस शुरू करने जा रही है, वो भी डायनेमिक वे में और बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ, जिसमें आप पढ़ पाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन इंडिया। इंडिया में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, चाहे हम आईआईटी की बात कर लें या जेई की बात कर लें, ये तमाम तरह की चीजें, और उसके साथ साथ पहले से भी चलता आ रहा है यूपीएससी की पढ़ाई। यूपीएससी भी एसएसटी ने शुरू कर दिया है। यूपीएससी में जैसे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है आपको, उसमें भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, बायो का मिलेगा, ये तमाम तरह की चीजें मिलेंगी, जिससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम बगैर किसी कोचिंग में गए हुए और अपने घर पे बैठ करके आप पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, तैयारी करने के साथ साथ यह पूरी पॉसिबिलिटीज बनती है कि आप पहली बार में उस एग्जाम को पास भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें दी जाती हैं, जो भी बताई जाती हैं, पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ शेयर किया जाता है। किसी भी चीज को न छुपाया जाता है, हर एक चीज कोशिश होती है कि हर एक टॉपिक को कवर किया जाए और आपको बताया जाए। दो तरह से क्लासेज आपके होंगे, ऑनलाइन क्लासेज भी होंगे और कैंपस क्लासेज भी होंगे। अगर आप चाहें तो कैंपस में जाके पढ़ सकते हैं और फिर इनके पैकेज होंगे जो समय समय पे आपको एसएसटी की वेबसाइट से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये गुड न्यूज था। बहुत ही समय, एक हफ्ते के अंदर कुछ चीजें टेक्निकली चल रही हैं, जैसे ही वो पूरी हो जाती हैं फिर हम सभी लोग आपके साथ आएंगे और फिर आपको मिलेगा आपका बेहतरीन लेक्चर और घर बैठे बगैर किसी परेशानी के आप जो है फिजिक्स सीख पाएंगे, केमिस्ट्री सीख पाएंगे, बायो सीख पाएंगे और यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज के जॉब की भी पूरी तैयारी कर पाएंगे। तो ये आपको देना था और साथ ही में उन सभी स्टूडेंट्स को मुझे बधाई भी देना था काफी दिन से, क्योंकि इधर हफ्ता 10 दिन हो गया, मुझे पता चला सबके मेल भी आए कि हाँ सर मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरी सैलरी इतनी है, मेरी सैलरी इतनी है। तो बड़ी खुशी होती है जब आपको जॉब मिलता है और वो भी आप इसके लिए प्रयास करते हैं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैठ के सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आएगा उनको जॉब देगा और चले जाएंगे। फिर उनका काम क्या होता है, वो बैठे रहते हैं, उनका काम यही है यार मुझे जॉब नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिला, जॉब नहीं मिला। दुनिया में जब आप कोशिश करेंगे तभी आपको मिलेगा, कोई आपको ला करके नहीं दे सकता है। कोई भी व्यक्ति ना जॉब दे सकता है ना ला सकता है। आपको मेहनत करना है, आपको कोशिश करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका आपको जॉब मिलेगा और आपके सपने भी पूरे होंगे। कुछ लोगों की तो आदत बन जाती है कि अगर पढ़ाई कर लिया तो फिर वो उनकी एक आदत बन जाती है शिकायत करने की। वो अपनी खुद की भी शिकायत करते हैं, समय को दोष देते हैं, कभी किस्मत को दोष देते हैं, कभी टीचर को दोष देते हैं, कभी कॉलेज को दोष देते हैं। फिर उनका काम ही है, उनका नेचर, वो जीवन पूरा बीत जाएगा, कभी किसी को वो अच्छा कह ही नहीं सकते। तो इन लोगों से, ऐसे लोगों से हम लोगों को दूर रहना चाहिए और विशेष तौर से अपने जो भी आपका एम हो, जो भी, उसको फोकस करिए और उस पर आगे बढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं कुछ सब्जेक्ट के साथ और फिर हम पढ़ाई करेंगे और फिर अपने लक्ष्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।